गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पहले वीडियो में हमने वर्णमाला के स्वर और व्यंजन समझने का प्रयत्न किया। सिर्फ व्यंजन और स्वर के प्रयोग से ही शब्द नहीं बनते, यानी कि व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग अनिवार्य है। सभी शब्दों में हम स्वर का मूल रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए हमें शब्द बनाने के लिए व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा का प्रयोग करना होता है। आप सोचते होंगे कि मात्रा किसे कहते हैं, तो स्वरों के लिए निर्धारित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अब देखते हैं कौन से स्वर के साथ कौन सी मात्रा आती है। पहले अ, अ के साथ कोई मात्रा नहीं है, यानी कि अस्वतंत्र है। सभी व्यंजनों के साथ हम अ का उच्चार करते हैं, जैसे कि क, क के साथ अ बोलने से हम पूरा क कह सकते हैं। अब उसका शब्द में जो प्रयोग करें तो कमल।